अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एवरीवन। और आज मैं बना रहा हूँ ऐसा हलवा कि आप लोग इसको याद करेंगे और बहुत मज़े का। ये देखिए, हाफ डन के करीब पहुँच गया है। तो देखिए इसकी शक्ल भी कितनी प्यारी लुक आ रही है माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी के साथ इसको बनाएं, यकीनन आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। है ना मज़े का, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें देसी घी डाला गया। अब इसके ऊपर से मैं यहाँ से इसको हमने निकाल दिया यहाँ पर, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना। अब हमने यहाँ से एक हम बिछा लेते हैं शीट, इसको यहाँ पर रख लेते हैं साथ। यहाँ पे हमने इसको इस शेड के ऊपर बिछाते हैं यहाँ पर। अब हम इस शेड के ऊपर इसको ले आते हैं। ये देख माशाल्लाह क्या लुक का, क्या खूबसूरती आई है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। देसी घी और इसमें ये मगज़ भी ताकतवर होते हैं और ये खोया भी ताकतवर है। अब मैं अब इसको ना ऐसे इनको हटा दे, सारे इसको ऐसे हलाते रहना ऐसे ऐसे, ताकि ये नीचे ना लगे। तो फूलते जाए, गर्म गर्म बड़ा मज़े का हो जाएगा। अभी ये देखे इस तरीके से, क्योंकि इसको ऑयल ऑलरेडी लगा हुआ, हमें नीचे उसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी है। ये जो देसी घी लगाया हुआ ना हमने इसको जी, अब इसका यहाँ पे एक और करते हैं हम इसको। ये हलवा जो है ये ज़्यादातर सर्दियों में खाया जाता है, क्योंकि इसकी रेसिपी ये देखिए देसी घी में तो मज़ा ही बहुत है। ये इसको ऐसे ऐसे हम इसको पलटाते जाएंगे यहाँ से, इसको ऐसे फिर ये नीचे ही लगा दी। देखिए इसकी खुशबू माशाल्लाह, इसकी देखिए कितनी प्यारी, ये सारा आयल के साथ ये लग गया है। इस तरीके से हम करेंगे और ये थोड़ी देर में इसकी टिक्की गर्म बन जाएगी। अच्छे इसकी इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको बता दी है, डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को आगे लाइक कमेंट शेयर भी करें। ये देखें ऐसे इसको हमने ऐसे हलाते जाना है, इसको ऐसे ऐसे करते जाए, है ना मज़ेगा। ये देखिए इसको भी लग रहा, वो घी की वजह से भी लग रहा, नहीं तो ये सारा इसलिए इसके अंदर चिप जाना था। ये आपका इसको सोहन हलवा ही बोलते हैं, इसको मुल्तानी हलवा ही बोलते हैं, क्या बात है। ये बड़े मज़े का ये मुल्तान का हलवा बोलते हैं, इसको सोहन हलवा ही बोला जाता है। इसको डिलीशियस। अब ये देखें, अब ये जमने को आ गया। अब इसको आप हमें इसको एक प्लेट के अंदर रखने की ज़रूरत है। ये प्लेट हमारे पास पड़ी है, हमने इसके अंदर अब इसको रखना है। ये हमने इसको प्लेट के अंदर रख दिया, इसको हमने थोड़ा से ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर ये लगा देना है, हमारे पास नारियल जो पड़ा है, किशमिश पड़ी है, क्या बात है। इस तरह हो गया और इसके ऊपर हम ये लगा देंगे, ये अब मैंने ये देखे क्या खूबसूरती आई है माशाल्लाह। वो क्या ये केक नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे केक लग रहा है।
ऐसा हलवा बनाएं, ऐसी स्वीट बनाएं कि दिल करे बार 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 खाने को आपका दिल करेगा। इस तरह मैं देखते हूँ, आपको थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ। और ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करें, मैं ये उसमें भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दे रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आप ये देख सकते हैं। है ना मज़े का हलवा, बहुत खूबसूरत है।